नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। 8 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा भर दी। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई दिग्गज कलाकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस समारोह में मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को विशेष पहचान मिली है, जिसने 3 पुरस्कार जीते हैं। जी हाँ, मनोज बाजपेयी जिन्होंने 4थी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, उन्होंने समारोह से पहले अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यह एक छोटी सी फिल्म के लिए जो अपनी पहचान बनाने में सफल रही, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने यह भी बताया कि शर्मिला टैगोर का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है। उन्होंने कहा, गुलमोहर को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। इस समारोह का महत्व मनोज बाजपेयी के लिए और भी बढ़ गया जब उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, पहले जब मैंने पुरस्कार जीते तब वह समारोह में नहीं गई थी, उनकी उपस्थिति इस बार मेरे लिए इसे और भी खास बनाती है। फिल्म गुलमोहर ने न केवल हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, बल्कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा यानी संवाद और विशेष उल्लेख यानी फीचर फिल्म के पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। फिल्म की कहानी एक परिवार के चारों ओर घूमती है, जहाँ कुसुम बत्रा यानी शर्मिला टैगोर अपने घर गुलमोहर को बेचने का फैसला करती हैं। मनोज का किरदार परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता है, जो 3 पीढ़ियों के अलग अलग विचारों से भरा हुआ है। मनोज ने एक वीडियो में अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, जब मैंने पहले बार पुरस्कार जीते थे तब मेरी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी अब है। मैं हमेशा सोचता था कि यदि मुझे एक बार यह पुरस्कार मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और आज मुझे गुलमोहर के लिए 4थी बार यह पुरस्कार मिलना मुझे खुद को भाग्यशाली मानने का मौका देता है। फिल्म गुलमोहर ने न केवल मनोज वाजपेयी की अभिनय प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि यह दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुकी है। इसकी कहानी की गहराई और जटिलताएं दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मनोज वाजपेयी का मानना है कि ऐसी फिल्मों को वैसी मान्यता मिलनी चाहिए जो अपने विषय और प्रस्तुति में अलग हैं। इस समारोह ने न केवल मनोज वाजपेयी और उनकी टीम की मेहनत को मान्यता दी, बल्कि यह दर्शाया कि छोटे बजट की फिल्में भी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकती है। मनोज वाजपेयी ने अपनी सफलता के पीछे अपने साथी कलाकारों और टेक्नीशियनों का भी जिक्र किया, जो हर कदम पर उनके साथ रहे। इस प्रकार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने मनोज वाजपेयी के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। गुलमोहर की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अच्छी कहानी और दमदार अभिनय हमेशा दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। इस समारोह के माध्यम से मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और मेहनत को साबित किया, जो न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक प्रेरणा है। गुलमोहर फिल्म 2023 में रिलीज़ हुई थी। इसे राहुल वी चिट्टेला ने निर्देशित किया है और यह फिल्म दर्शकों के बीच अपनी कहानी और शानदार अभिनय के लिए जानी गई है। गुलमोहर एक संवेदनशील परिवार की कहानी है, जिसमें 3 पीढ़ियों के विचारों और भावनाओं का टकराव दिखाया गया है। फिल्म की नायिका कुसुम बत्रा यानी शर्मिला टैगोर अपने घर गुलमोहर को बेचने का फैसला करती हैं, जबकि उनके बेटे जो मनोज वाजपेयी द्वारा निभाया गया है, परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म जीवन, रिश्तों और परिवार के महत्व को दर्शाती है। इसकी पटकथा और संवाद को भी सराहा गया है। अगर आपने मनोज वाजपेयी की यह फिल्म गुलमोहर देखी है तो आपको कैसी लगी, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर नहीं देखी है तो क्या आप यह फिल्म देखना चाहेंगे, ये भी लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।